तो अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते बेलियो दे की हाल चाल है। अज दा व्लॉग साडा बेसिक डिपेंड करता है बीमारदारी तमादारी ईमानदारी नज़ाकतदारी मीनाकारी एंड शौकारी। शौकारियों के नाल तुहानू मैं अज इह दस दिया कि तुहानू पता तुहाडा वीर इस टाइम बहुत चिट्टा आ रहा है क्योंकि मैनू एक तोहफा लभा है। तोहफे के नाल अज मैं एक बना रहा वीडियो ते तोहफा तुहानू पता लगेगा बाद किधरों लभा है ते की लभा है क्योंकि अजे मैं वो नहीं दसना। क्यों जी माफ कर भाई यार तेरी मेहरबानी ते यार वे थोड़ा रुपया आ रहा मक्खियां पहले आ गई यार। हाँ वैसे भी आती हैं मक्खियाँ गंद पे तो ज्यादा बैठती हैं मक्खी शहद तो ज्यादा बैठती हैं पुत्र तेनू की पता गंद पे भी बैठती हैं तेनू शहद का पता नहीं है स्वीट पीपल। एनीवे तुहानू मैं दस दिया क्योंकि मैं ब्लॉग बनाना जरा फनी है अगर तुहानू जरा चाहिए डीसेंट ब्लॉग तो जुल्कन नैन कवल का रबता करो क्योंकि वह ब्लॉग बना दे मेरे ब्लॉग के लगना शुगर मेला एंड मच मोर एंड अलॉट ऑफ इसके ब्लॉग में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा पंजाबी तड़का और इसके ब्लॉग में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा छिछोरापन। इसके ब्लॉग में आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा बिला वजह की लॉफ क्रिएट करने वाली बातें ऐसी है ना मतलब बिला वजह का लॉफ्टर भाई जनते हैं तुम क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा नहीं है ना। नो ऐसे नहीं है मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है बल्कि ज्यादातर आइडियाज मैं इसको देता हूँ अच्छा आपने इसकी हंसी पे गौर किया है कभी इस तरह से हंसता है इसकी अक्सर आदत है मतलब बिला वजह की एक फजूल सा जोक मारेगा अगर कोई लाफ्टर नहीं ना देता इसको तो क्या करता है कि खुद ही हंसना शुरू कर देता है। भाईजान अगर आप सोचते हो कि सिर्फ आप उर्दू बोल सकते हो तो मैं आज आपका चैलेंज भी करने के लिए तैयार हूँ। लो जी इन्होंने दोनों मैंने चैलेंज दिया कि पुत्र तू उर्दू नहीं बोल सकता तो मैं क्या तुम्हें किने कहा था मैं उर्दू नहीं बोल सकता मैं तो उर्दू ला ला सटा मैं इंज वढ़ देनी है कट देनी है मोलियाँ वो तर 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 अच्छा चलो मैं उर्दू में बोलता हूँ ये कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं उर्दू नहीं आई कांट स्पीक उर्दू बट मैं उर्दू बहुत अच्छी बोल सकता हूँ और इनको नहीं पता क्योंकि मैं बहुत पुराना बाकी हूँ इस कामों में तो आज मैं उर्दू में ब्लॉग करूँगा ठीक है ना। तो अगर मैंने उर्दू में ब्लॉग किया तो मुझे क्या मिलेगा यार नहीं ये क्या बात हुई मतलब दो नए जूते हैं। अच्छा दो नए जूते वो भी है ठीक है जुमा तो अभी नज़दीक नहीं है तो जुल्कन जुमा पढ़ने जाता है कि शॉपिंग करने जाता है मस्जिद में। वेरी फनी एंड वेरी नाइस जुल्कन यू नो लाइक पिछले दिनों वो एयरपोर्ट पे खजल हो रहा है तो मैंने कहा किधर जा रहे हो कहता है मैं फिर उनके उस पर जा रहा हूँ तो फिर चाइना चला गया विदाउट वीज़ा तो मैंने कहा उन्होंने पकड़ लिया कहते किधर कहता मैं चैकी चैन के घर मिलाद पे आया हूँ यार नहीं यार पंजाबी यू नो लाइक पंजाबी में ज़्यादा मज़ा आता है उर्दू में लाइक यू नो वो जुगत का वो हो जाती है लाइक यू नो खुश हो जाता है। उर्दू में बात करेंगे ठीक है जी हम आज उर्दू में बात करेंगे तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब आई होप आप अच्छा उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे हंसते होंगे मुस्कुराते होंगे बसते होंगे नचते होंगे एंड 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 मेरे आपने उर्दू चेक कर ही लिया कि मैं अमीद कहता हूँ उम्मीद को भी मैं अमीद कहता हूँ अमीद है कि आप अच्छे होंगे नहीं उम्मीद ही होता है यानी कि यार आप लोग बताएं ये उम्मीद होता है कि हमीद तक भले वाले का नाम लगता है चाचा हमीद अच्छा वो किसी मोहल्ले वाले का नाम लगता है चाचा हमीद। एनीवेज अब हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अच्छा कितने जा रहे हैं हम मतलब किधर जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं जी हम काम पे जा रहे हैं क्योंकि हम अक्सर दूसरे काम भी करते हैं यू नो लाइक वो कहते हैं यार बड़ा काम करती है लाइक वो बोलते हैं ना कि ये लोग बहुत काम करते हैं तो हम लोग बहुत काम मतलब काम करते हैं हम कमों काजों वाले हैं वरियों दाजों वाले हैं ठीक है तो आए अब आपको मिलाते हैं कामों से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ते इन्हों दोनों ला गई भुख है तो मैं उन्होंने कितने चलना है मैं क्या मैं बाहर चला क्या बाहर चल रही है साथ ही लै गई छली होगी छली ये छली तीन रुपये की हाँ सर कच्ची यार मैं भी छली दे बड़ा पैक मारे मैं अजक चलो जी दे दो हाँ साहब तीन छलियाँ भी हाँ वजिया जी करके we
दाल भी आ गई तो छलियाँ तो हम अपना ले लिया तो हम अपना चले हैं कितने गड़ीश क्योंकि तुम्हें पता जिनी गर्मी पै रही है गर्मी ने छली खाने का कोई फायदा नहीं है एसी च बह के खाँगे पाते चलो आप चल रहे हैं लोरी तुहानू अज एक गल दसदा मैं छली खाधी तो मेरी छली निकली बहुत ही पीड़ी तो सियाने कहते हैं गोरे रंग के दुपट्टियां की छां करके तो मैं रोक लैंना रक्षा सिद्धि बांह करके तो तुहानू दसदे एंड दी कमेटी तो पीड़ी छली मतलब सख्त छली निकले तो बहुत दुख हुंदा क्योंकि मेरे दंद दर्द करन लग पए ने मर जाने ने पता नहीं स्टील कोटेड छली देती है एनी वे मुझे पता था कि मैंने उर्दू में बात करनी है और ये दोनों मुझे भूखे शेर की तरह देख रहे हैं तो मतलब मेरी छली बहुत पीड़ी निकली हाँ वो मतलब भाई कह रहे हैं कि आ हो भाई अगे ध्यान कर मुड़े चाह का रेट बहुत बढ़ गया छड़ दो चोरी साहब है की कटना जो छली लो जी जिम तो मैं ला लीए तो थक के इन्ना चूर हो गया यकीन करो कि पैसे दे के मजदूरी कर पैसे दे के मैं मजदूरी कर रहा हूँ कि मतलब इतना भारा भारा उन्होंने मुझे मतलब भारी भारी उन्होंने मेरे से वजन मतलब डंबल चकवाए हैं तो यकीन करें मेरा अभी कहाँ निकल गया है तो मतलब बहुत औखा काम है बॉडी बनाना क्योंकि शाहजोर की बॉडी आराम से बन जाती है इंसान की बॉडी बहुत मुश्किल बनती है हाँ जुल्कना तुम्हारा क्या कहना है बॉडी के बारे में ओ आय अल्लाह आय अल्लाह केड़ा काशिफ अस्सलाम वालेकुम चाचा जी और ये थे हमारे साथ गुफार गुफार इसका नाम था मतलब मैंने इसको पूछा कि मैंने कहा आपका नाम क्या है तो मुझे कहता मेरा नाम है गुफार मैंने कहा प्यार वाला नाम सपना आपी तो जिम ला के मैं मरने वाला हो गया तो आई गैस तुहानू अज दा व्लॉग चंगा मतलब क्या क्या मतलब तो नहीं लाई तो मैं डम्बल चुके क्योंकि कम करने लगे हैं क्या माड़ी जी शायद चुके इधर कर दो कई कदम नहीं यार माड़ी जी जिम लाई है लेकिन वो वजन एम पाने नहीं है ब्लॉग जो मर्जी करो एम पाने नहीं ब्लॉग जो मर्जी कर वीडियो ना बनाए बे पता है कि नहीं सकता जी हो नहीं सकता ओ नहीं सकता अच्छा बस ठीक है थोड़े ओ भाई ओ गाना मैं सुनना है गाना जेड़ा गांदे तू मेरे अंदर का सिंगर जा सिंगर अच्छा चलो ठीक है जी तुम भी आँदे होने के मुंडा की चिगम चिगम मतलब बबल की तरह चिपक गया है तो आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसते रहो बसते रहो और सिलों में तेल चसते रहो एंड वी वांट इजाज़त एंड हाँ वही भाजी सही कह रहे हैं लेकिन सही गल है ठीक है जी ओके जी टाटा बाय बाय।